वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया का जो टॉपिक है हमारा वो है सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति संस्थाएं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वहाबी आंदोलन तक देख लिया था, आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे फराजी आंदोलन की। फराजी आंदोलन की शुरुआत शाही शरीयत उल्ला ने 1818 में की। इस आंदोलन को फराजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी तथा राशिद अहमद गंगोही ने संयुक्त रूप से की। ध्यान रखना, देवबंद आज के समय में काफ़ी बड़ा इस्लामिक केंद्र है, याद रखना। तो मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ये संस्थापक है देवबंद स्कूल के। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा का आंदोलन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र यानी बेसिकली कृषि पर आधारित थी। ध्यान रखना, खेती करवाते थे जबरदस्ती हमसे और कोई उनका काम ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे सर सैयद अहमद खां की। सर सैयद अहमद बिन मुताकी खान। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी पर आधारित थी। धर्म को समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए वरना यह जीवाश्म बन जाएगा, ये कथन सर सैयद अहमद खां का है। धार्मिक सिद्धांत अपरिवर्तनीय नहीं होते, ये कथन भी सर सैयद अहमद खां का है। हालांकि इस्लाम में इनकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, इनको माना नहीं गया। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया तथा 1859 में मुसलमानों को विद्रोह के आरोपों से मुक्त कराने के लिए असबाब बगावत हिंद नामक पुस्तिका प्रकाशित करी जिसमें बताया गया था कि मुसलमानों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया है। उन्होंने कांग्रेस का विरोध करने के लिए कुछ हिंदू और मुस्लिम नेताओं जैसे कि बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के समर्थन में यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करी जिसका काम ही था कांग्रेस का विरोध। उन्होंने 1860 में किताब लिखी द लॉयल मोमडंस ऑफ इंडिया, ये बुक उन्होंने लिखी और नाम से स्पष्ट है इसमें वो ये बताना चाहते थे अंग्रेजों को कि मुसलमान आपके दुश्मन नहीं है। 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। इनकी वफादारी के कारण 1888 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला जो आगे जाकर के एएमयू बनेगा 1920 में। उच्च पद और प्रतिष्ठा धारण करने वाले लोग भी अधिकारियों के सामने नहीं पड़ते और यदि सामने गए भी हों तो उन्हें एक आंतरिक भय और बौखलाहट के साथ वो बाहर आते थे, ये कथन सर सैयद अहमद खां का है। तो साथियों, ये आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट, ठीक है। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम बात करेंगे समाज सुधार से जुड़े प्रमुख अधिनियमों की। तो ये टॉपिक जो है, जो प्रमुख समाज सुधार जो कार्यक्रम है, जो आंदोलन है, उनको हमने पढ़ा और अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो समाज सुधार से जुड़े हुए जो प्रमुख कानून हैं। अभी हमने कानूनों को नहीं पढ़ा है, सामान्य जानकारी ली है, तो अब हम कानूनों की बात करेंगे और वो बात होगी हमारी अगली क्लास में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप हमारे किसी भी पेड को प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं PCS के लिए, BO के लिए और RO के लिए, तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें फ्री में मिल जाती हैं। तो जाइए उसको डाउनलोड करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।